गोवर्धन चौराहे के समीप रोहित किडनी हॉस्पिटल में इन दिनों पथरी से पीड़ित मरीजों का सफल उपचार किया जा रहा है। फिलहाल में लंबे समय से पथरी के पीड़ित मरीज का सफल ऑपरेशन करते हुए उपचार किया और उपचार के बाद मरीज को जीवन दान दिया है। राजस्थान का निवासी राजवीर सिंह लगभग 3 साल से पथरी रोग से पीड़ित था। उस व्यक्ति ने जगह जगह डॉक्टरों से उपचार कराया लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद डॉक्टर रोहित सिंघल के पास आकर मरीज ने अपना उपचार कराया। उपचार के दौरान ऑपरेशन किया और इस सफल ऑपरेशन में 300 ग्राम की एक पथरी निकाली। पथरी का ऑपरेशन होने के बाद मरीज बिल्कुल स्वस्थ है। मरीज ने बताया कि वह काफी लंबे समय से पथरी की वजह से दर्द से पीड़ित था और सफल उपचार कराने के बाद राहत की सांस ले रहा है। सर, मेरे पथरी से 2-3 साल से कई डॉक्टरों पे भी गया, कई हॉस्पिटल पे गया, पर वो हामी नहीं भरते थे निकालने की। कहते जान भी जा सकते, रिक्स से ही काम है। उसके बारे में मैंने भी नहीं निकलवाई। तो डॉक्टर साहब के बारे में बताया किसी ने, हमारे जानकार ने एक ऑपरेशन कराया था डॉक्टर साहब के पास, जब बताया था तो अब आराम है। हाँ जी, अब तो मेरे को आराम है। तो यहाँ पे क्या स्थिति रही, यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह से कितनी बड़ी पथरी निकली है तुम्हारी? सर, पथरी मेरी काफ़ी बड़ी निकली, इतनी बड़ी निकली है, बड़े प्यार से निकाल दी और आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर रोहित सिंघल ने आपका ऑपरेशन किया है तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर, डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया है, मेरे को बिल्कुल बेहतर फीलिंग हो रहा है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। बिल्कुल फिट हैं आप? बिल्कुल फिट। तो क्या कहना चाहेंगे अस्पताल के प्रशासन से, यानी अस्पताल के पूरे स्टाफ से? सर, पूरे स्टाफ का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरे स्टाफ ने मेरे अच्छे से देखभाल करी, अच्छे से रखा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं 1% भी। डॉक्टर साहब के लिए क्या कहेंगे, जीवन दान दिया है आपको? जीवन जान दिया है डॉक्टर साहब ने तुमको। वहीं डॉक्टर रोहित सिंघल ने बताया कि यह बहुत बड़ी सफलता है और काफी प्रयास के बाद पथरी का ऑपरेशन किया है और मरीज की जान बचाई है। पूर्व में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पहला ऑपरेशन डॉक्टर रोहित सिंघल के द्वारा किया गया था, जिसमें एक मरीज के पेट से 450 ग्राम की पथरी ऑपरेशन के द्वारा निकाली और उस मरीज को भी स्वस्थ करके उसे घर भेजा। सर, पहले तो जीवनदान मैंने नहीं दिया है, जीवनदान ऊपर वाला ही देता है। हमको तो काम करने के लिए भेजा है। राजवीर चार का नाम का ये मरीज है, ये मेरे पास 3-4 दिन पहले आया था। तो इस बता रहा था कि 2 साल से पथरी है, कोई भी बहुत बड़ी पथरी होने की वजह से इसका ऑपरेशन कोई करने को तैयार नहीं है। इसकी जाँचें कराने के बाद समझ में आया कि वो पथरी 3.5 से 4 सेंटीमीटर की थी। पथरी के लिए निकालना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत खून भी आ रहा था, दर्द भी हो रहा था इसको, ये इसको समझाया गया। इसने बात को समझते हुए ऑपरेशन के लिए हामी भरी। ऑपरेशन की, जैसे हर ऑपरेशन की थोड़ी बहुत रिस्क होती हैं, वो इसको समझाई गई। इसका एक ही पूछना था कि पथरी पूरी निकलेगी या नहीं निकलेगी। बीइंग अ पेशेंट, इसका ये पूछने का अधिकार है। तो इसको बताया गया कि कोशिश पूरी की जाएगी और पथरी छोड़ना कोई हमारा उपदेश नहीं, उद्देश्य नहीं है, और हम पूरी पथरी को निकाल देंगे। तो इसका ऑपरेशन हमने 2 दिन पहले किया है पूरी तैयारी के साथ, और ऑपरेशन सफल रहा, पथरी बाहर आ गई। पथरी करीबन आप मान लिए 295 ग्राम की पथरी निकली है, और इससे पहले भी हम 450 ग्राम की एक पथरी निकाल चुके हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पथरी है। तो अभी पेशेंट स्वस्थ है, दो ही दिन में खूब घूम फिर रहा है, खाना पीना चालू है इसका, कोई इसे परेशानी नहीं है। बाकी आज शाम तक शायद या कल सुबह तक हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे। ऐसे लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो आजकल पथरी से पीड़ित है, उन लोगों से क्या सावधानी बरतने के लिए और कहाँ की सलाह देंगे? सर, पहले मैं लोगों से नहीं इससे कहना चाहूँगा, इसको 2 साल से पता था कि पथरी है। पहले 1.5 सेंटीमीटर की भी इसको पता था, फिर 2 सेंटीमीटर की भी पता था। तो मैं कहना चाहूँगा कि उसी समय इसको ये करा लेना चाहिए था, मेरा ये पहले तो इसको कहना है। बाकी लोगों को कहना है कि हर 6 महीने 8 महीने में एक अल्ट्रासाउंड कराएँ, थोड़ा बहुत दर्द होता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसके लिए प्रॉपरली जाँच कराएँ। जांच कराने के बाद में यदि पथरी निकालने के लिए है या निकलने से ही उसको आराम होगा तो उसको निकलवाएं।